बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दूध का शरबत। ये दूध का शरबत मैं ख़ास तौर पे मुहर्रम के लिए बना रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा अलग बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कॉमेंट में मुझे बताना ज़रूर, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर दूध रखेंगे। दूध मैंने पैन के अंदर डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, अब ये उबलने के लिए रखा हुआ है। तो साथ में हम डालेंगे चीनी और इलायची पाउडर भी साथ ही डाल लेंगे। इलायची पाउडर डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब डालेंगे बादाम, तो ये बादाम भी डाल दिया है। और अब दूध के साथ इन तीनों चीज़ों को 5 मिनट तक पकाना है, ताकि इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारे पास दूध का एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ये पकाने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ये दूध हमारे पास ठंडा हो गया है, और अब आगे की चीज़ें मैं बताती हूँ क्या डालना है। मैं डाल रही हूँ खोपरा। खोपरा कम ज़्यादा जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ अशरफियाँ, कलरफुल, खूबसूरत बनाने के लिए। और सारी ही अशरफियाँ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाए और ख़ूबसूरत लगे। और अब मैं तुख मलंगा डालूँगी। ये तुख मलंगा मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तुख मलंगा हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो हम ज़रूरी डालते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है इस दूध के अंदर। तो ये दूध तो हमारा रेडी हो चुका है, और अभी आगे इसमें हम कलर ऐड करते हैं। मैं इसको 3 कलर्स में बना रही हूँ, 3 गिलास में दूध डाल रही हूँ। इस तरीके से दूध बनाने से बहुत ही इसका टेस्ट आला हो जाता है। बादाम का टेस्ट पहले ही इसके अंदर ऐड हो जाता है, इलायची का बहुत प्यारा टेस्ट आता है, और बाकी ड्राई फ्रूट आप जो भी डालना चाहें उसका तो फ्लेवर आएगा ही, और बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो ये 3 गिलासों में मैंने डाल दिया है। अब अलग अलग कलर में ऐड कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ मैं, रूह अफ़ज़ा का कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा उसका। इसमें ये ग्रीन कलर डाल दिया है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी हो जाता है जब हम पीते हैं, तो टेस्टी होने के साथ साथ ये ख़ूबसूरत भी लगता है। और ये येलो कलर डाल दिया है, और ऊपर से हम बादाम डाल के इसको गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ख़ूबसूरत दूध की रेसिपी तैयार है, और आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने के लिए आपकी बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया।